हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो कोई बहुत स्पेशल, कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो नहीं होने वाली है। एक छोटी सी वीडियो है। तो मैंने जब अपना एमटी का हेलमेट मंगाया था तो मैंने उसी के साथ एक ब्लैक स्मोक्ड वाइज़र V12 स्मोक्ड वाइज़र भी मंगवाया था, बट अपने लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए मंगवाया था क्योंकि उसको भी चाहिए था। तो वो दोनों चीज़ें हमने एक ही स्टोर से एक साथ मंगा ली थी। तो इस वीडियो में और कुछ नहीं, बस उस हेलमेट के वाइज़र को, क्लियर वाइज़र को स्मोक वाइज़र से रिप्लेस करके दिखाएंगे एंड कैसा दिख रहा है हेलमेट वो, और कुछ फ़ोटोज़ जो हमने आउटडोर जाके ली थी वो भी आपको इस वीडियो में अटैच करके आगे दिखा दूंगा। सो गाइज, इस वाइज़र को जो स्टॉक लगा हुआ आता है एमटी हेलमेट या किसी भी हेलमेट में, एक क्लियर वाइज़र, इसको निकालने में हमारे पसीने छूट गए थे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये निकला क्योंकि इधर या तो हमें इसकी टेक्निक नहीं पता थी या फिर हम बहुत कम फोर्स यूज़ कर रहे थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ब्रेकिंग इट। तो इसको निकालने में बहुत मेहनत लगी यार, यू कैन सी इट इन द वीडियो। हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे बट ये नहीं निकल रहा था। तो इन दी एंड हमें यूट्यूब वीडियो की हेल्प लेनी पड़ी, हमने यूट्यूब वीडियो देखी एंड उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा तब जाकर ये वाइज़र निकला। बट आई थिंक नाउ वी नो द टेक्निक, तो अब से इसको रिप्लेस करने में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जितनी फर्स्ट टाइम आई। सो या जस्ट एन अपडेट कि इसको निकालने में पहली बार में तो दिक्कत होगी। एंड देन सेम वॉज द केस जब हम ये स्मोक्ड वाइज़र लगाना चाह रहे थे। नाउ सिंस ये स्मोक्ड है तो हम इसके थ्रू दिख नहीं रहा था एंड वी आर अनेबल टू अलाइन जो भी इसके सॉकेट्स थे उनको, मतलब परफेक्टली अलाइन करना पड़ता है जस्ट टू गेट इट बैक इन प्लेस। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ बट वी गॉट इट डन एनीवेज। Fake, I'll be there to clear the way. Oh, oh, oh.